प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हमारी जो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक है हिंदी क्षितिज, उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय और उनकी एक रचना जो उनका पाठ है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न का अध्ययन करेंगे। जो पुरानी पाठ्य पुस्तक है हमारी उसमें पाठ 10 है और जो नई पाठ्य पुस्तक उसमें पाठ 11 है। जैसा कि पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। जीवन परिचय की बात की जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो गया और वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए। शब्द है विपुल संपत्ति, यानी पिता भी साहित्यकार थे, कवि थे, तो जो पिता का जो भी साहित्य था या कवि थी, जो भी उनका ज्ञान था, वो सब इनको विरासतदार अपने पिता से प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दिया। यानी 16 वर्ष की आयु में तो हम अध्ययन वगैरह में ही रत रहते हैं, लेकिन देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 16 वर्ष की आयु होने पर तो रचनाएं करना, लिखना, कविताएं करना, साहित्य में नई नई रचनाएं करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 में उनका स्वर्गवास हो गया। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। वे सुधारवादी थे, यानी हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को सुधारवादी के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य, यानी प्राचीन गद्य और नवीन गद्य का किस प्रकार से तालमेल किया जाए, कैसे सामंजस्य किया जाए, ये सबसे बड़ी विशेषता भारतेंदु जी की रही है। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की ही बहुतायत है। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया है। यानी अपनी रचनाओं में उन्होंने तद्भव शब्दों के साथ साथ लोकोक्तियों का और मुहावरों का भी अच्छा प्रयोग किया है, जिससे क्या है कि जब उन्हें पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो स्वतः ही उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के भी प्रयोग किए हैं, यानी जिससे क्या है कि पढ़ने वाला जो पाठक है वो नीरस न रहे, यानी पाठक की रोचकता बनी रहे। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मेघजन का संपादन भी किया। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। इनके द्वारा लिखे गए जिन नाटकों का इनके द्वारा लिखे गए जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है, उनमें वेदी की हिंसा हिंसा न भवती, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। जो हमारे पाठ्य पुस्तक में पाठ दिया गया है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी उनका परिचय ले लेते हैं। पाठ परिचय में प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंगपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यही इस पाठ का वर्णनीय विषय है। समाज की धर्मांधता,
स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंगमय चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पाठ प्रारंभ होता है हमारा एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। स्वप्न सब देखते हैं तो कवि ने भी यहाँ एक स्वप्न देखा है और इस पाठ में आपको अच्छी रोचकता यानी पढ़ने में भी आनंद आएगा। आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। पर्यंक कहते हैं पलंग को, चार पाई जो हमारी होती है। तो लेखक कह रहा है, बारतंत्र कह रहे हैं कि जैसे चार पाई पर गया, पर्यंक पर पलंग पर गया, अचानक आंख लग गई अर्थात नींद आ गई। नींद में हम क्या करते हैं, स्वप्न देखते हैं। तो सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान संसार शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है। कभी सोचता है हमारा शरीर क्या है, चलायमान है, जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य चलता ही रहता है और इसका कुछ ठिकाना नहीं है, कब मृत्यु आ जाए, अर्थात जीवन क्या है हमारा, क्षण भंगुर है। इस संसार में नाम स्थिर रखने के लिए, नाम स्थिर रखना यानी नाम अमर करने के लिए कि कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है। लेखक ने सोचा कि संसार में मरने के बाद में आदमी का नाम अमर हो जाए और नाम अमर कैसे हो, इसके लिए कोई ना कोई युक्ति तो निकाल ली जाए ताकि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं, यानी जो चलायमान चपल जीवन हमारा है ये क्षण भंगुर है, कब इस शरीर ये कब ये शरीर हमारा नष्ट हो जाए ये भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक जीवित हैं हम ऐसा कार्य कर जाएँ, ऐसा प्रयास कर जाएँ कि हमारा नाम इस संसार में अमर हो जाए। कहा गया भी है, ऐसा कहा भी है, श्वास श्वास पर हरि भजो, यानी हमें प्रत्येक समय प्रत्येक श्वास पर हरि भजो यानी ईश्वर का भजन करना चाहिए। वृथा श्वास मत खोई, हमारी श्वास को यानी हमारे जीवन को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। न जाने या श्वास को आवन होय न होय, पता नहीं संसार में जो हमारी श्वास चल रही है ये कब आना जाना इसका बंद हो जाए अर्थात कब हमारी मृत्यु हो जाए। अतः जीते जी हम ऐसा कर्म कर जाएँ, ऐसा सही कर्म करके जाएँ, सही कार्य करके जाएँ कि हमारा नाम अमर हो जाए। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। समय क्या है, समय चलायमान है, समय कभी रुकता नहीं है और एक दिन धीरे धीरे शनि शनि संसार को भी नष्ट होना ही है। कालवश यानी समय के अनुसार शशि और सूर्य यानी चंद्रमा और सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आएंगे। आकाश में जो तारे ग्रह नक्षत्र हैं इनकी भी एक समय होती है, कुछ समय बाद ये भी नष्ट हो जाएंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे या न रहे, यानी जो हमारी कीर्ति है यश रूपी कमल है ये संसार रूपी सागर में रहे या न रहे, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे। तप्त तवा गर्म तवे में जैसे पानी की एक बूंद डालते हैं हम, कैसे वो भाव बन करके उड़ जाती है, उसी प्रकार से हमारा जीवन इस संसार में एक दिन नष्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसे तो बहुत काल तक सोच समझकर प्रथम तो ये विचार किया। अब लेखक सोचता है, देखिए स्वप्न देख रहा है रात में, नाम अमर करने के लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले उसके मन में विचार आया, क्या विचार आया देखिए, कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं। लेखक ने सोचा, भारतेंदु जी ने सोचा कि मंदिर जो देवालय हैं ये हमेशा रहने वाले हैं, तो क्यों ना एक मंदिर बनाऊं जिससे आने वाली पीढ़ियां ये तो कहे कि देखो ये फला व्यक्ति ने इस मंदिर का निर्माण किया था। आज देखते हैं ना हम जगह जगह मंदिरों में शिलापट वगैरह लिखे होते हैं, किसी राजा ने बनाया है या किसी महापुरुष ने बनाया है, तो उनकी तरफ से वो तो पता नहीं कितने वर्षों पूर्व काल कवलित हो गए लेकिन आज भी उनके नाम अमर हैं। तो लेखक ने भी यही सोचा कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, परंतु थोड़ी देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। यानी बाद में सोचता है कि देवालय बनाना तो क्या है, एक मूर्खतापूर्ण कार्य है और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। पाश्चात्य शिक्षा जो हमारी आ रही है, अंग्रेजी शिक्षा जो आ रही है, ये क्या है, ये क्या है कि हमारे को हमारी संस्कृति से हमारा जो धर्म है उससे हमारे को विचलित कर रही है। लोग बाग इस शिक्षा के वशीभूत होकर के हमारी संस्कृति और हमारी जो
धर्म है इसको भूलते जा रहे हैं। तो लेखक ने कहा जब लोग भूल जाएंगे, पाश्चात्य संस्कृति में रम जाएंगे, तो कौन देवालयों को याद करेगा। अतः उसने देवालय बनाने का विचार भी त्याग दिया। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर पड़े पड़े पुस्तक रचने की सूझी। दूसरा विचार आया लेखक के मन में कि क्यों न मैं एक पुस्तक की रचना कर जाऊं, किताब लिख जाऊं, ताकि मेरे जाने के बाद में भी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उस किताब को पढ़ेगी तो उससे भी मेरा नाम अमर हो जाएगा। लेकिन क्या पुस्तक रच पाया? नहीं। इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी, कीट कृष्टि काट कर आधी से अधिक निकल जाएंगे। लेखक ने सोचा कि मेरी मृत्यु के बाद पता नहीं उन किताबों को संभालेगा या नहीं संभालेगा। कीट कृटिक यानी कीड़े मकोड़े दीमक वगैरह जो होती है, ये क्या है, इस कागज को काट पीट करके नष्ट कर देंगे। और यश के स्थान पर शुद्ध अपयश ही प्राप्त होगा। तो यश प्राप्ति की जगह तो क्या होगा, अपयश होगा। किताब को खा जाएंगे, नष्ट कर देंगे, और वो क्या रद्दी के टोकरे में चली जाएगी। जब लेखक ने देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को दो रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद करके शंभू किसी समाधि लगा गया। लेखक ने क्या किया, विचार काम नहीं कर रहा था, देवालय भी बनाने की सोची, देवालय से भी विचार भंग हो गया, पुस्तक रचने की सोची, पुस्तक से मन भंग हो गया, तो नींद कहाँ आने वाली थी। मन में टूटे फूटे विचार है, किसी भी प्रकार से नाम अमर करना है। इस प्रकार के कई प्रकार के विचार लेखक के मन में आते रहे। और नींद क्या है, लाडली नींद को दो रात पड़ोसियों के भेज दिया, अर्थात नींद गायब हो गई, नींद आई नहीं रही है लेखक को, और शंभू किसी समाधि लगा गया। अर्थात जिस प्रकार से भगवान शिव, भगवान शंभुनाथ अपनी समाधि लगा लेते हैं, लेकिन समाधि लगाने के बाद जो जागृत अवस्था में रहते हैं, उस नींद तो आंखों में आ नहीं रही थी, लेकिन सोचते सोचते शंभू किसी समाधि लगा करके सोचता रहा लेखक। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई। यानी इस प्रकार से कई समय निकल गया, कई वर्ष निकल गए, लेखक सोचता रहा, लेकिन सही युक्ति लेखक के हाथ में आ ही नहीं रही थी। लेकिन अंत में क्या हुआ, लेखक का एक मित्र, कहते ना मित्र समय पर बड़ी सहायता करते हैं, कोई सच्चा मित्र उनके भी आया, और उस मित्र ने बड़ी अच्छी उनकी एक बात बताई। ये सारी बातें लेखक के जो मन में चल रही है वो स्वप्न में ही चल रही है। स्वप्न में ही प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। लेखक ने स्वप्न में सोच लिया कि प्रातःकाल होते सवेरा होते ही मुझे एक विद्यालय बनाना है। तो पाठशाला बनाने की उसके मन में आ गई। परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मुहरे निकली। लेकिन इसके लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए। लेखक ने जब अपनी थैली थी जो यानी पैसों की जो थैली थी जो फरसा, उसने हाथ डाला तो उसमें केवल 11 मोहरें निकली। आप जानते हैं इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता। 11 मोहरों में क्या होगा, पाठशाला का एक कोना एक कमरा भी नहीं बन पाएगा। निदान अपने इस मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी। और लेखक कहता है कि मुझे पाठशाला बनाने के लिए अपने मित्रों से भी सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ। लेखक कहता है कि मैंने ईश्वर को कोटि यानी करोड़ों यानी कई धन्यवाद दिए जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते। लेखक देखिए ईंटों के स्थान पर मोहरें, ईंटों की जगह पर मोहरों को चुन लेते 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते, और होते होते सब हरी कृपा से बनकर ठीक हुआ। कहने का भाव यही है कि लेखक ने जो सोचा था वो काम लेखक का पूरा हुआ, लेखक को मित्रों से सहायता मिली और सारा काम डंगडंग से हो गया, पूरी पाठशाला तैयार हो गई। इसमें व्यय हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं। लेखक कहता है कि कितना खर्च हुआ, कितना पैसा मित्रों से मिला, कहाँ से धन मिला, क्योंकि अच्छे काम में सब सहायता मिलती है और लेखक को भी सहायता मिली। इतना पैसा आ गया कि पाठशाला बनकर तैयार हो गई, कितना खर्चा हुआ ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन लेखक कह रहा है कि अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। आए बात समझ में,
नहीं, एक के अंक के आगे 10 लगाते हैं हम तो 10 हो जाते हैं, 10 में एक और लगाते हैं 100, यानी उसका प्रत्येक का 10 गुना बढ़ता जाता है, 1,000,00,000, 10,00,00,000, करोड़, 10 करोड़ ऐसे लगते हैं। लेकिन कितना पैसा खर्च हुआ, देखिए एक अंक के आगे 387 शून्य लगा लो और उनका अंक लगा लो, उस ज़माने में कितना पैसा इस पवित्र कार्य के लिए, पाठशाला के लिए लेखक के पास में एकत्र हुआ होगा। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। लेखक कह रहा है कि पूरे 25 वर्षों में उस पैसों को जोड़ा, पाठशाला तैयार की, और जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर के ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए। पाठशाला बन गई, पंडित आचार्य चाहिए शिक्षा देने के लिए, आचार्य, जब इतनी विशाल पाठशाला, इतनी पवित्र पाठशाला बनकर तैयार हुई तो उसके लिए आचार्य भी अच्छे ज्ञानी होने चाहिए। तो लेखक ने कहा कि आचार्य यानी पंडित कहाँ से बुलाए हमने, हिमालय की कंदराओं, हिमालय की गुफाओं में जहाँ महान पंडित तप किया करते थे उनको ढूंढ ढूंढ करके लाए, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं है। इस पाठशाला में अनगणित अध्यापक नियुक्त किए गए, परंतु मुख्य ये हैं, विद्यार्थियों ध्यान रखना इन पंडितों के नाम, पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्कवाचस्पति प्रथम अध्यापक, ये पहले अध्यापक थे, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्री, प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वैद्य शास्त्र, लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र, शील दावानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या। तो ये सभी आचार्य, सभी अध्यापक उस लेखक की पवित्र पाठशाला के लिए हिमालय की कंदराओं से बुलवाए गए। ठीक विद्यार्थियों, आज इस भाग को समाप्त करते हैं। आगे ये पंडित किस प्रकार से सहायता करते हैं, किस प्रकार से अध्ययन कराते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हम इसी पाठ के अगले भाग 2 में इसका अध्ययन करेंगे।